फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि झारखंड में वन क्षेत्रफल यानी कि वन क्षेत्र जो है वह 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है और यह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि क्या है इसमें जानकारी, कौन से ज़िले में बढ़ गया है, कहाँ कहाँ पर घटा है और कौन सा राज्य जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ गया है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर जरूर देखिए और जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, आप लोगों को जानकारी भी मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो वन की स्थिति है, जो भी क्षेत्रफल बढ़ा है या वन क्षेत्र बढ़ा है या घटा है इसके बारे में। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के अनुसार पूरे देश भर में केवल 5 राज्यों में ही वन क्षेत्र बढ़ा है। झारखंड भी वन क्षेत्र बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। तो दोस्तों पूरे देश भर में अगर बात करते हैं तो केवल 5 राज्यों में ही वन क्षेत्र बढ़ा है और इसमें झारखंड में भी वन क्षेत्र बढ़ा है और यह वन क्षेत्र बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। झारखंड में वन क्षेत्र बढ़ा है लेकिन घना जंगल घट गया है। तो दोस्तों यह एक अच्छी न्यूज़ भी है और एक ख़राब न्यूज़ भी है कि वन क्षेत्र तो बढ़ गया है झारखंड में, लेकिन साथ साथ जो घने जंगल होते हैं, घना जंगल का जो क्षेत्र होता है वह घट गया है। दोस्तों अगर पूरे देश में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वह बढ़ा है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आपको ये याद रखना है कि पूरे देश भर में जो 5 राज्य हैं जहाँ पर वन क्षेत्र बढ़ा है उसमें से जो वहाँ पर बात करें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों अभी 2021 के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में घना वन क्षेत्र 2601.05 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2601.05 वर्ग किलोमीटर घना वन क्षेत्र है झारखंड में। और वहीं अगर 2019 के सर्वे के अनुसार बात करें तो घना वन क्षेत्र 2603.2 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 2603.2 वर्ग किलोमीटर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 2 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है घना वन क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप जो है आंकड़ा उसको देख सकते हैं। राज्य के जो है गढ़वा जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है। पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार और कोडरमा में वन क्षेत्र घट गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गढ़वा जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ गया है और पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार और कोडरमा जिले में वन क्षेत्र घट गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ को हम और देख लेते हैं कि 2021 के जो है सर्वे के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के 29.76 में जंगल है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 के सर्वे के अनुसार में जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है उसका 29.76% में ही जंगल है। वहीं 2019 में यानी कि 2019 के सर्वे के अनुसार में झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% में जंगल था। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.16% बढ़ा है। आप यहाँ पे जो आंकड़ा है परसेंट में बताया गया है वहाँ पे देख सकते हैं 0.16% बढ़ा है। तो पहले जो था यानी कि 2019 में वह 29.62% था और अभी जो हो गया है 2021 के अनुसार 29.76% में जंगल है। दोस्तों यहाँ पर वन विभाग के दायरे में झाड़ियाँ भी आती हैं जो वन भूमि में ही आती हैं। तो झाड़ियाँ को भी हम लोग वन विभाग के दायरे में रख सकते हैं जो वन भूमि के अंतर्गत में ही आती हैं। और यहाँ वर्तमान में 2021 में यानी 2021 में कुल 584.20 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी को चिन्हित किया गया है और 2019 में यह 688 यानी 688 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी चिन्हित था। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ये जो झाड़ियाँ हैं वह कमी हुआ है। पहले 688 था और अभी 584.20 वर्ग किलोमीटर झाड़ी चिन्हित हो गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो 3 सबसे ज़्यादा वन भूमि वाले ज़िले हैं झारखंड का वो कौन कौन से हैं और सबसे कम वन भूमि वाले ज़िले कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं 3 सबसे ज़्यादा वन भूमि वाले ज़िले जो 2021 का फर्स्ट सर्वे के अनुसार है। तो पहला ज़िला है
पश्चिमी सिंहभूम, जहां पर 3,368.44 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, यानी कि 3,368.44 वर्ग किलोमीटर में है। यहां पर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर लातेहार जिला में 2,403.04 में आप यहां देख सकते हैं इसको, और चतरा जिले में इसके बाद में 1,782.09 वर्ग किलोमीटर में वन भूमि फैला हुआ यानी वन क्षेत्र है। तो आपको यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि तीन सबसे ज़्यादा जिले जो हैं वह पश्चिमी सिंहभूम है, लातेहार है और चतरा है। वहीं अगर सबसे कम वन भूमि वाले ज़िले की बात करते हैं तो जामताड़ा है, जहाँ पर 106.02 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र हैं। उसके बाद है देवघर, जहाँ पर 205.80 यानी कि 205.80 वर्ग किलोमीटर में वन भूमि है। और तीसरे नंबर पर है धनबाद, जहाँ पर 218.18 वर्ग किलोमीटर में वन भूमि है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले में देख ले, सबसे कम में है जामताड़ा, देवघर और धनबाद, और सबसे ज़्यादा जो वन भूमि थे वो थे पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा। तो यहाँ पर यही चीज़ है जो कि करंट अफेयर्स में हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि फोर्थ सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो है कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है, तो वह है हमारा गढ़वा ज़िला। और किन किन राज्यों में जो है घट गया है वन क्षेत्र, तो वहाँ पे पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार और कोडरमा। तो यहाँ पे जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको याद रखना है। साथ साथ अगर पूरे भारतवर्ष में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ गया है। तो ये आपको डाटा भी दिया गया है और जो जो है जानकारी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।